बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले देखिए, छोटा जादूगर का पार्ट वन आपको एक वीडियो मिलेगा और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे राइटर के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन किया हूँ। राइटर का जो जन्म हुआ था और उनकी साहित्य के बारे में, उनकी काव्य रचनाएँ के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में सब कुछ वहाँ पर समझा दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया गया है। पार्ट वन नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे ज़रूर देखिए, वो लिंक दे दिया जाएगा। आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको देखना ही पड़ेगा। और वहाँ पे सारांश जो समरी होता है, इतना दूर मैं समझा चुका था एक्चुअल में कहानी है क्या, किसके ऊपर डिपेंड है। तो एक ऐसी कहानी है, ये जो कहानी है ये बिल्कुल हकीकत है। कवि ने उसको लेखन रूप दिया है और ये बिल्कुल राइटर खुद महसूस किए हैं इस कहानी को और उन्होंने लिखे हैं। और जो एक बच्चे होता है, जिस तरह मतलब आर्थिक अभाव के कारण वो किस तरह कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में वो किस तरह चालाक बन जाता है, अपने पेड़ों पे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप ज़रूर पढ़िएगा और कहानी को अच्छी तरह समझिएगा तो यहाँ पे आँखों में आंसू भी आ जाएगा। आप अगर कहानी में समझा रहा हूँ, आप अगर ध्यान अगर यहाँ पे रहे तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं छोटा जादूगर। ये एक्चुअल में छोटा जादूगर है कौन, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं, देखिए पार्ट वन जरूर देखिएगा, पार्ट टू यहाँ से शुरू होगा। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। एक मैदान था, मैदान जानते हैं, फील्ड पोथर बुली को पर मेला चोली असिल, मतलब असामिस मीडियम वाला। देखिए असामिस में उतना क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। देखिए आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे मेला वगैरह लगता है वहाँ पे बहुत सारे लाइट रहता है, लोग तरह तरह के खिलौने वगैरह बेचते हैं, मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह रहता है, खाने पीने की जगह रहती है, खेलने की जगह रहता है, मतलब वो ऐसा जगह रहता है। हंसी और विनोद का कल नाद गूंज रहा था, वहाँ पे लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, आवाज़ें बहुत आ रही थी, शोरगुल हो रहा था क्योंकि मेला चल रहा था। मैं खड़ा था, मैं कौन है यहाँ पे, मैं कौन बोल रहा है कि मैं खड़ा था, मैं मतलब यहाँ पे राइटर खड़े थे वहाँ पे, मेला में गए थे राइटर, उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। एक किनारे पे गए राइटर, किनारे पर जाते हैं और यहाँ पे एक इंसान शरबत पीता है, राइटर यहाँ पे खड़े हैं, एक लड़का भी यहाँ पे है, लड़का की तरफ देख रहे हैं, लड़के किसको देख रहा है, लड़का देख रहा है मतलब एक छोटे फुहारों के पास, वहाँ पे खड़े थे राइटर, याद रखिएगा राइटर जो थे लेखक एक जगह खड़े हो गए मेला में जाकर, और एक छोटे से बच्चे को देखें वो क्या कर रहा है, उसके एक सामने एक बंदा, एक इंसान कोई भी हो सकता है, वो जूस पी रहा था, मेला में खरीद कर जूस पी रहा था, उसको देख रहा था बच्चा। जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। लड़का क्या किया था, मतलब गले में फटे कुर्ते, मतलब जो कुर्ता पहना था, जो शर्ट पहना था लड़का, वो लड़का की जो शर्ट था, बच्चा था, उसकी शर्ट फटी हुई थी, गले में एक रस्सी डाला हुआ था। गले में क्या डाला हुआ था लड़का, एक रस्सी डालकर रखा था, ठीक है याद रखिएगा, सूत की रस्सी पड़ी थी, जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, और वो ताश तो जानते हैं ना, जुआ खेलता है जो ताश, उसके कुछ ताश के जो पत्ते हैं वो अपने पॉकेट में रखा था। बच्चा कहाँ पे रखा था, याद रखिएगा पॉकेट में रखा था। हिस्ट्री को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लगभग 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जामिनर सिर्फ यही चैप्टर से पूछता है, फाइनल ईयर की बात बोल रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एग्जामिनर भी बहुत फोकस करता है इस चैप्टर को। आप अगर मिलाइएगा प्रीवियस पेपर को तो आपको दिखाई देगा। बाय द वे मैं बहुत सारा पेपर भी डाल चुका हूँ मेरे चैनल में, बहुत सारा पेपर, हाफेली हो, प्री फाइनल हो, फाइनल हो, टेस्ट हो, सब पेपर मिलेगा, आप जरूर जाके दे, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा, प्ले लिस्ट हो देखिएगा जरूर। तो ताश के पत्ते थे, उसके मुँह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। हाँ एक तो बात है, उसके मुंह पर गंभीर मतलब सूखा हुआ चेहरा था, मुरझाया हुआ था, लेकिन धैर्य की रेखा थी उसके अंदर, धैर्य था, धैर्य समझते हैं तो पेशेंट था वो, मतलब कोई भी काम जल्दबाजी नहीं करता था, सोचता समझता,
इसके बाद वो काम को करता था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, पता नहीं राइटर वहाँ पे खड़े थे। देखिए राइटर, राइटर की पत्नी गए थे मेला देखने, अचानक उस लड़के को देखते हैं और लड़के को देखने के बाद लड़के के प्रति थोड़ी अट्रैक्शन हो जाता है राइटर का, तो राइटर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? हाँ देखिए बहुत, अरे क्या बोलूँ, पढ़िएगा फिर समझ में आएगा। इंटरेस्ट तो है अपने आप में, हिस्ट्री मतलब बहुत ही भावनात्मक है, फील कराता है, रियलिटी मॉडर्न युग का फील कराता है। मैंने सब देखा, ये कौन पूछ रहा है? आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ से बताता हूँ। उसके अभाव भी संपूर्ण थे। मैंने पूछा, राइटर वहाँ पे जो लेखक खड़े थे, वो राइटर पूछ रहे हैं किससे? वो बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चा तुमने क्या देखा? मतलब वो कुछ देख रहा था, तो तुम क्या देख रहे हो भाई, क्या देखा? तो मैंने सब देखा, ये बच्चा जवाब देता है। जो बच्चे वहाँ पे खड़ा है यानी छोटा जादूगर, वो जवाब देता है, साहब मैंने सब देखा। क्या देखा? यहाँ चूड़ियाँ फेंकते हैं, देखते होंगे आप भी, देखे होंगे आप जब मेला वगैरह जाते हैं तो एक चूड़िया रहता है, आपको पैसे रखा जाता है, उसको पैसे गोल चूड़िया को फेंकना है, उसके बाद आपका अगर राउंड पूरा उसको पकड़ लेता है तो आपको जो इच्छा वो प्राइज मिलता है। बिल्कुल वही दिखाया जा रहा है, लोग चूड़िया फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। आप भी मेला में गए होंगे तो बंदूकों से बैलून में खिलौने पर निशाना लगाया जाता है, देखते होंगे पैसा लेता है, दो चार गुली देता है मारने के लिए। तो वो बच्चा बोल रहा है, मैंने देखा कि मेले के अंदर लोग चूड़िया फेंक रहे हैं, खिलौने पर निशाना लगा रहे हैं, तीर से नंबर छेद कर रहे हैं, तीर रहता है नंबर छेद करना पड़ता है, कि मतलब टिकट दे देता है, आपको टिकट काटना पड़ता है, आप बोर्ड में नंबर रहता है, नंबर को छेद कीजिएगा, आप जो नंबर काटे हैं वही नंबर पर अगर छेद हो जाता है तो आपको मिलेंगे प्राइस, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, ये बातें कौन बोल रहा है? ये सब एक जादूगर भी था वहाँ पे, तो वो बच्चा बोल रहा है जादूगर बिल्कुल निकम्मा है, लोगों को बुर्बक बना रहा है। आप खुद सोचिए ना, आप जब पैसा पे निशाना लगाते हैं, नंबर पे मारते हैं, लेकिन आपको कुछ प्राइज मिलता नहीं है, आपका लॉस ही चला जाता है। बिल्कुल बच्चा बहुत चालाक था, चतुर था, उसे मालूम था कि ये जो मेले में लोग आए हैं, जो लोगों से पैसे ले रहे हैं, ये निकम्मे हैं, ये लूट रहे हैं। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। अब बच्चा बोल रहा है, देखो इतना छोटा सा बच्चा और इतने कम रूम में इतनी चालाक, इतनी चतुराई आ जाता है उसके अंदर, और खेल दिखाना चाहता है। वो क्यों दिखाना चाहता है देखिएगा, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रबलता से कहा। और ये लेखक को कह रहा है, साहब जी वो जो जादूगर है ना, जो ये सब पैसे ले रहा है लोगों से चूड़िया फेंकवाने के लिए, वो जादूगर जो है वो सब निकम्मे है, वो ठीक नहीं है, उससे अच्छा खेला मैं दिखा सकता हूँ, और मेरा खेला में उस तरह कोई दो नंबरी का खेला नहीं रहेगा, मैं रियलिटी दिखाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है। उसने बड़ी प्रबलता से कहा, उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी, मतलब प्रबलता से कहा, रुकावट न थी, शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे हम बोल रहा हूँ। वो देखिए, आप अगर कोई चोरी वगैरह कर लेते हैं या मम्मी से झूठ बोलते हैं, तो आप जब वो बात को बोलेंगे, मम्मी पूछे क्या तूने गिलास तोड़ा, तो तुम थोड़ा रुक के बोलेगा कि नहीं 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 मम्मी मैंने नहीं तोड़ा, ऐसा कहिएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप वो गलत काम किए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने से आप थोड़ी सी रुकेंगे। लेकिन बच्चा जो है, बच्चे के वाणी में, वाणी मतलब बातें में रुकावट न थी, सीधे बोला कि मैं उससे अच्छा खेल दिखा सकता हूँ। किसने कहा? बच्चे ने कहा। बहुत ध्यान दीजिएगा किसको बोल रहा है बच्चा, ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, कौन किसको बोल रहा है। बच्चे ने लेखक को कहा, ठीक है कि साहब वे लोग निकम्मे हैं, उससे अच्छे तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। तो बच्चा का जो वाणी था, वचन था, जो वो बोला था, उसके अंदर रुकावट महसूस नहीं हुआ, वो सीधे बात में और प्रबलता थी, मतलब हकीकत भरा हुआ था उसके अंदर। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? बच्चा वहाँ पे खड़ा था, लेखक जानकारी लेना चाहते हैं कि वहाँ पे एक पर्दा है, वो पर्दे में क्या क्या दिखाया जाता है। वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है, साहब मैं उस जगह में नहीं जा सका, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए, आप भी देखे होंगे
डांस वगैरह होता है मेले में, तो वहाँ पे क्या होता है कि टिकट खरीद कर घुसना पड़ता है आपको, टिकट जब लीजिएगा तभी आप घुस पाइएगा। तो बच्चे के पास पैसा ना थी, बच्चा कहा कि साहब वो पर्दे में मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिया चलो मतलब चलो तुमको मैं लेके जाऊँगा। कौन बोल रहे हैं? राइटर, लेखक खुद ही कह रहे थे थोड़ा पहले, पता नहीं क्यों लेखक का आकर्षण एट्रैक्शन हो चुका था बच्चे के साथ, थोड़ी सी प्रेम भावनाएं आ चुकी थी, तो दोस्ती भी हो चुका था दोनों में, मान के चलिए ऐसा हो ही गया था। तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँगा। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो राइटर भी बोर हो रहे थे उधर, राइटर की पत्नी मैडम जी तो उधर बाजार वगैरह कर रही थी, तो राइटर को भी बोरिंग लग रहा था। तो बोले मन में सोचे अपने मन के अंदर कि चल यार आज तेरे को ही मैं अपना दोस्त मानता हूँ। तो दोस्त किसको बना लिए राइटर? उस छोटे जादूगर को, बच्चे को याद रखिएगा, छोटे जादूगर बच्चा ही है, इसी बच्चा का नाम है छोटे जादूगर। क्यों है नहीं है सब बाद में मैं बताऊँगा। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, बच्चे ने कह रहा है, बच्चा कहता है साहब वहाँ पे जाके हम करेंगे क्या, चलिए निशाना लगाया जाए। तो साहब वहाँ पे मत चलिए, चलिए ना निशाना लगाता है। अच्छा, मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो राइटर तो देख रहे थे बच्चा शरबत की तरफ पहले देख रहा था, तो देखिए बच्चे की जो भावनाएं होती है आपको पकड़ना पड़ता है। तो हालांकि देखा जाए तो बच्चे को शरबत एक्चुअल में पीने का मन किया था लेकिन पैसे तो है नहीं बेचारे के पास। तो राइटर बोल रहे हैं चलो शरबत पहले पी लेते हैं, बाद में निशाना लगाएंगे, क्या देखेंगे। उसने स्वीकार किया, सूचक सिर हिला दिया कि कहा हाँ, सिर हिलाया मतलब अपने सिर हिलाया और स्वीकार भी किया हाँ चलिए जूस ही पी लेते हैं, शरबत ही पी लेते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। देखो बात है कि मनुष्यों के अंदर हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर होता है कि नहीं, तो हाँ शरीरों में देखिए मेले में जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, मेले से बाहर आइएगा ठंड लगेगा क्योंकि वहाँ पे लोगों का शरीर का गर्म चारों तरफ फैला रहता है। तो वही बोले जाड़े का समय था मतलब ठंडे की दिन थे, इसके बावजूद भी वहाँ की माहौल गर्म थी, हवा गर्म था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। हम दोनों क्या किए, शरबत पी लिए, राइटर भी पिए, बच्चे को भी पिलाए अपने पैसे से, उसके बाद लेकर गए बच्चे को निशाना लगाने के लिए। राह में ही उसने पूछा तुम्हारे और कौन है। राइटर पूछ रहे हैं बच्चे से, पूछ रहे हैं बच्चा से पूछता है कि बेटे बताओ तो तुम्हारा और कौन कौन है, ये कौन पूछ रहा है ये बातें, राइटर पूछ रहे हैं। बच्चा बोलता है माँ और बाबूजी, माँ है और पिताजी है। कौन कौन है? मम्मी और पिताजी। अच्छा, बच्चे के मम्मी पिताजी थे, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। अब राइटर पूछ रहे अच्छा तुम्हारा मम्मी पिताजी है तो तुमको आने क्यों दिया यहाँ पे मेले में अकेले, वो भी फटाफटा पहन कर, कुछ है नहीं। बाबूजी जेल में है, यहाँ से कहानी शुरू होती है एक्चुअल कहानी, बाबूजी जेल में है। बच्चा बोलता है कि साहब मेरे पिताजी जेल में है। कहाँ पे है? जेल में है। क्यों? अब राइटर पूछ रहे हैं अच्छा तुम्हारे पिताजी जेल में है तो क्यों है? देश के लिए, बहुत ही गर्व की बात है वो, देश के लिए। बच्चा गर्व से बोला कि साहब हमारे पिताजी जेल में हैं। किस लिए? देश के लिए, देश की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे पिताजी कहाँ पे हैं? जेल में हैं। और तुम्हारी माँ? अच्छा पिताजी जेल में, गर्व से बोला क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे उनके बच्चे के पिताजी और जेल में अभी है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है? तुम्हारी माँ? ये राइटर पूछ रहे, लेखक बच्चे से पूछ रहे बच्चा तुम्हारा माँ कहाँ है? वो बीमार है मम्मी, बीमार है। देखिए क्या हालात हो रही है बच्चे की, एक तो पिताजी है वो तो जेल में ही है, जो माँ थी वो भी बीमार थी। जरा से ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री पे, कहानी शुरू हो चुका है। और तुम तमाशा देख रहे हो, और मतलब तमाशा देख रहे हो मतलब तुम, यहाँ पे राइटर बोल रहे तुम क्या कर रहा है? मम्मी बीमार है, तुम्हें मम्मी के पास होना चाहिए था, मम्मी को देखना चाहिए था, पिताजी जब है नहीं तो तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्राइटनेस कमा देता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। वो थोड़ा हंसा
लेखक की बात को सुनकर हंसा और कहा, साहब मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, मैं तमाशा दिखाऊंगा, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का पथ्य दूंगा, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देकर मुझे कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मतलब बच्चा कहता है कि मम्मी जो बीमार है, मम्मी के लिए कुछ खाने को लेके जाना है, घर में कोई नहीं है कमाने वाला, मम्मी जो है वो भी बीमारी है, तो वो कहता है मैं आपको खेला दिखा देता अगर, और उस खेला देखने के बदले में आप हमको कुछ पैसे दे देते, वो पैसा से मैं मम्मी को कुछ लेकर जाकर देता, मम्मी खाती बीमार है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मेरे मम्मी को भी कुछ खाने पीने को मिलता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं आश्चर्य से देखा, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 13 से 14 साल का लड़का ही था, बहुत कम, मान के चलिए क्लास 6-7 का बच्चा। 13 से 14 साल के लड़के को देखने लगा। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है। वो बच्चा फिर से कहता है, फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं सच कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, मेरी मम्मी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया कहाँ जेल में, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही, अच्छा जेल होना चाहिए था, अच्छा देखता हूँ, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। अच्छा वो पिताजी के साथ जेल में नहीं गया, कौन बच्चा, वो मम्मी के साथ रुक गया, कहा कि लोग जब खेला दिखाकर, बच्चे देखिए कितना थोड़ी चालाक भी था वो, वहाँ का समाज इन्वायरमेंट की और परिस्थितियाँ का उसके नॉलेज आ चुका था, नॉलेज क्या है वो समझ चुका था कि एक्चुअल में समाज में कैसे जीना है, बहुत ही छोटे से उम्र में वो देखा था कि लोग तमाशा दिखाकर पैसे कमाते हैं, क्यों ना हम भी दिखाकर पैसे कमाएं और जो पैसा आएगा उससे मम्मी की दवा लेके जाऊंगा। और देखिए दवा तो दवाई, दारू मतलब खाने की बात की जा रही है, वो पीने वाला दारू मत सोचिएगा, वाइन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, दवा और दारू, दवा दारू मतलब हो गया, दवा मतलब दवा जाते हैं मेडिसिन, और दारू मतलब खाना, मम्मी के लिए मेडिसिन और खाना ले सकूँगा और अपना भी पेट भर सकूँगा, इसलिए मैंने पिताजी के साथ नहीं गया, मैं मम्मी के साथ रुक गया मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी बीमार थी। मैंने दीर्घ श्वास लिया, चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिया। राइटर की मन में थोड़ी सी, मतलब आप तो जानते ही हैं, सैडनेस फील हुआ। और बात है कि राइटर क्या करते हैं कि उसी समय उसको लेकर जाते हैं और खिलौना, देखिए एक बॉल रहता है, बॉल से खिलौने को निशाना लगाया जाता है और खिलौनों को गिराया जाता है, खिलौना अगर सब गिर जाएगा तब आपको वहाँ से प्राइज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बाद में राइटर क्या करते हैं, वहाँ पे टिकट खरीदते हैं, बच्चे के साथ लेकर जाते हैं और टिकट 12 टिकट खरीद कर लड़के को दे देते हैं। वो निकला पक्का निशानेबाज, उसका कोई गेंद खाली नहीं गया, देखने वाले दंग रह गए, उसने 12 खिलौने को बटोर लिया। वाह बहुत अच्छी बात है, वो लड़का मतलब इतना निशाना वाला था। लेखक के द्वारा दिया गया जो 12 टिकट है सभी से 12 से 12 खिलौने को उसने ले लिया, जीत लिया। लेकिन और लोग भी उसको देखते रह गए, आश्चर्य हो गया कि बच्चे का इतना निशाना कैसे है, लेकिन उठाता कैसे, कुछ मेरे रुमाल में बांधे कुछ जेब में रख दिया, इतने भारी हो गए थे कि अब लेगा कैसे, इतना सारा जीत लिया। राइटर भी ले लिए कुछ, बोले चलो हम तुम्हारे पहुँचा देते हैं घर में, और कुछ वो रुमाल में बांध लिया और कुछ अपने जेब वगैरह में ले लिया, बच्चे के पास इतने खिलौने आ चुके थे। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं, बाहर आइए मैं चलता हूं। वो 9:50 हो गया, मतलब लड़का वहां से चला जाता है, तमाशा नहीं दिखा सका उस दिन। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक भी सोच रहे हैं कि लड़का स्वार्थ वाला निकला, ने किया उसको मिला और भाग गया। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट दिन में कुछ बातें आती है, इसकी नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दूंगा, वो लगभग ये 20 मिनट का हो चुका है और 20 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो पार्ट टू अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे ही है, अभी ये देख लीजिए पार्ट टू, वहाँ से कहानी वहाँ से कंटिन्यू होगी।
तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिए। जितना भी हिंदी है क्लास टेन का प्लेलिस्ट मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ पे सभी क्लास टेन के हिंदी का आंसर क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा।